सारी जनता यहाँ पे सिर्फ एक फोटो के लिए जलील हो रही है यार। हम तो पहला हमरा मीटअप है बाबू। अगे मैं पिंड मेरे घट मिटी है यार। मैं सामने अंकल आ रहे थे एडे खौफनाक अंदाज में, मैं मेरी हार गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई सब? आज आपका भाई एक मीटअप पे जा रहा है, देखो कैसा मीटअप रहता है। ये आपके भाई की ज़िंदगी का पहला मीटअप है। ओ यार असी तो पंजाबी भी बोली, कोई नहीं, तुहाड़ा भरा अज एक मीटअप पे जा रहे हैं जिहड़ा कि तुहाड़े भाई की जिंदगी का पहला यूट्यूबर्स का मीटअप है। शायद वो की नाम है यार, शो पैक गैंग इंज का है कोई, उन्होंने यार बाइक रिवील करनी है तो अभी सोचा असी भी जरा उधर जाके देखिए तो सही यूट्यूबर का मीटअप किस तरह का होंगे। तो अज भी असी जाना है समाग भाई के नाल, जिन्होंने सानू कल का वक्त पाया कि यार चलिए चलिए, तो मैं लगता है साढ़े वास्ते बेनीफिशियल ही होएगा। चलो लेट्स सी। लाहौर इंतहा का खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें इसे मजीद खूबसूरत बना देती हैं। उनमें से यहाँ के रोड्स, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस, और यहाँ की पार्क्स एंड ग्राउंड्स। मार रोड लाहौर की खूबसूरती में से माना जाता है। जहाँ से होते हुए हमने मीटअप में जाना था, असेंबली हॉल के पास से गुजरना ही था कि आगे से हमारे साथ थोड़ी सी भूल भुलैया स्टार्ट हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हैं लाहौर में, कहा जाता है कि इसी तरह लाहौर वालों के दिल भी बहुत बड़े हैं। दीद महीनों मुशक्कत के बाद आखिरकार जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के सीन्स कुछ ऐसे थे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज कौन सी बला है जिसको हम देखने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ तक भी यूट्यूबर के नाम का पता नहीं था। फिलहाल असी मीटअप ते पहुँच गए हैं, पता नहीं उन्हें सच कि बंदे नज़र भी कोई आते हैं कि नहीं। मैं स्मार्ट भाई पूरे जोशो खरोश के नाल आए हैं, पहली दफ़ा किसी मीटअप ते। लेट्स सी कि साढ़े नाल बीती है। बाकी यार मज़ा आ रहा है देख के, आवाम च काफ़ी क्रेज है उन्होंने वेखन वास्ते। चलो असी जो ना मशहूर है तो अभी फिर इंज आराम खोती घोड़ी खेलना नहीं। तो और यहाँ से हुई थी हमारी असल जलालत स्टार्ट, जो कि हम एक साइड पे खड़े थे लेकिन लोगों ने कहा अरे भाई यहाँ आए हो तो जलालत आपका मुकद्दर है, तो यहाँ पे लोगों ने हमें उठा के ही आगे भेज दिया। हमें पता ही नहीं चला हम कब वहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद जो हमने जलालत देखी, उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और ऐसे इतना रश के जो कहते हैं ना कि लोग वो वाला सीन हमारे साथ यहाँ पे। बाइक खड़ी है तो फ्री की सेल्फी होनी चाहिए। नाम बताओ। आपके भाई को एक सब्सक्राइबर मिल गया। यहाँ पे मैं और स्मार्क भाई एक मीटअप में आए हुए थे, तो इस भाई के साथ एक और मीटअप हो गया हमारा। बीएमडब्ल्यू देखने के मीटअप होते किस तरह के। यार क्या मसला है यार, मिट्टी बहुत है यार। हम काफी देर से जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, हर चीज का खूब है। मौका मिलता है यहाँ पे एक पिक्चर लेने का कि नहीं, अभी देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा रे भाई।
गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। फोटो, सिर्फ एक फोटो का चक्कर है बाबू, एक फोटो के लिए इतनी दलालत, कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। ये सारी जनता यहाँ पे सिर्फ एक फोटो के लिए जलील हो रही है यार। हम तो पहला, हमारा मीटअप है बाबू, ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मीटअप होगा ये, जो कि किसी के साथ भी नहीं है, दलालत के साथ है यार। आपस में मीटअप, वो भी इतनी दलालत। ये जितनी आवाम आपको नजर आ रही है ना, ये सारी एक फोटो के लिए जलील हो रही है यहाँ पे। ये सारी आवाम एक फोटो, हमजा भाई, ओ हमजा भाई, मुझे तो नाम भी आज पता चला भाई का, हमजा भाई यार, मुझे तो इस भाई का नाम भी आज पता चला, फिर भी इतनी जलालत। ये भी भाई हमजा भाई, ये सारी आवाम एक फोटो के लिए ही हमें जलील हो रही है। एक फोटो यार, एक फोटो के लिए आवाम इतना जलील हो रही है यार। कोई बात नहीं, हम इस भाई के साथ ही फोटो बना लेते हैं यार। एक्चुअली ना, हमें वो भाई तो मिले नहीं है, तो हमने सोचा हम आपके साथ ही फोटो बनाना। हाँ भाई, ये भी जो है ना, ये बड़ी बाइक है, देख लें आप। हाँ, ये जैसे वो हॉरर मूवीज में नहीं होती भाई, उस तरह का स्टाइल बनाया हुआ है इसका। अब मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए फिर से जलालत देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी भी आवाम आई है यहाँ पे, सब एक फ़ोटो के लिए आई है सिर्फ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दलालत देखी हमने, यहाँ पे लेडीज़ वगैरह भी आई हुई थी। और गलत किया यार, बहुत गलत हुआ यार, नहीं सुन रही थी और बाइक वाले भाई भी नहीं मिले यार, इतनी दलालत के बाद। कोई बात नहीं, तो अभी हम अपने दोस्त को देखेंगे कहाँ मिलता है वो, उसके बाद फिर हम चलेंगे भाया। मुझे लगता है मुझे उतनी ही दोबारा जलालत देखनी पड़ेगी सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। सामने अंकल आ रहे थे अड्डे खोफना गंदाज में, आके मेरी हार गई। आपने मदौलता से मैं बाहर निकला है भाई, फुल जलालत काट के मेरे नाल निकले। वो जो बाहर निकले ना यार, ये होता है मीठा प्यार, ऐसा पेड़ा मिट्टी मैं साफ कर कर खा गया। अगे मैं पेंट मेरे घट मिट्टी है यार, इसको समझता हूँ यार, ये कोई स्पेशल इंतजाम होना चाहिए, ऐसा ही नहीं है जानवरों की तरह घुस जाओ और मिल लो। ये सरासर जलालत, और लेडीज़ का तो बुरा ही हाल था यहाँ पे, बच्चों का भी बुरा ही हाल था। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपका भाई जो है वो स्टार बनेगा तो इतनी जलालत आपको नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, और दूसरी बात यार, इन्होंने खाने को कुछ नहीं दिया यार, मुझे तो लगता है शायद मिट्टी खुवाई देनी बड़ी। और सबसे अहम बात, मुझे भाई के नाम का भी नहीं पता। सुहाग भाई ने मुझे बताया मीटअप का, इन्होंने ही मुझे लिंक सेंड किया, हम आ गए, मेरी ज़िंदगी का पहला मीटअप था। और सुहाग भाई को पता है, मैंने भाई वो जो यूट्यूबर थे उनका नाम भी मैंने अभी पूछा सुहाग भाई से। मैंने कहा कहीं फ़ोटो लेनी हो, तो वो कहे यार तुझे तो नाम ही नहीं पता, तू कहाँ मिलने आया, कहाँ का फ़ैन है मेरा। लंगर खोलेगा यार, मैं तो यही समझा जिवें कोई चौधरी पिंड आई जाता ना, तो लंगर खोल देंगे ने, भावें माड़े तो माड़ा घर भी हो ना, वो करजा चुक के लंगर खुआ देता है। मैं तो क्या वही कुछ हिसाब होएगा यार, कोई चक्कर नहीं है। दलालत के बाद के कुछ सीन ऐसे थे, ठीक है, अभी हमारा जाना बनता है। Dyson,